Hey guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. I am Shikha and you are watching my YouTube channel Beauty Blog and My Lifestyle. Friends, आज मैंने सोचा सुबह से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती. सो गाइज, अभी सुबह के बजे हैं 8:30 और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ. आज मैं जा रही हूँ आफ्टर थ्री मंथ मैं घर के बाहर जा रही हूँ. बहुत ही एसेंशियल सामान है जो कि आप लोगों को प्रतिवर्ष सावित्री व्रत आ रहा है तो हम लोगों में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मान्यता है. तो गाइस, तो उसी के लिए मुझे रेड कलर की साड़ी खरीदनी है तो मैं जा रही हूँ अभी उसे खरीदने के लिए. तो बहुत दिनों के बाद बाहर जा रही हूँ बहुत सारे प्रिकॉशंस को लेते हुए, अच्छी तरीके से मास्क लगाने के बाद, एंड तब मैं जा रही हूँ बाहर क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पूजा के कुछ सामान है जो कि लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि 21 को वट सावित्री व्रत है तो मुझे आज जाना पड़ेगा. सारी तैयारियाँ भी करनी है. ओके गाइस, मैं जल्दी से फटाफट रेडी हो जाती हूँ. गर्मी है तो ज़्यादा मेकअप कुछ भी नहीं करना है, गर्मी में कौन मेकअप करता है इतना ज़्यादा. बस एक सनस्क्रीन लगाना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं. बस स्किन केयर करूँगी और यहाँ पर कुछ नहीं करूँगी. सो आप सब देख सकते हैं मैंने बहुत ही लाइट मेकअप किया, कुछ भी नहीं किया है. बस सिंपल सा मैंने एक लिपस्टिक लगाई है क्योंकि लिप्स बहुत ज़्यादा अजीब लगते हैं, मुझे लिपस्टिक लगाना पर्सनली पसंद भी है. तो मैंने लिपस्टिक लगाया है, हल्का सा काजल, क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, इसके वजह से मेरा फेस थोड़ा अजीब लग रहा था. इसके लिए मैंने बस थोड़ा सा काजल लगाया ताकि मैं बीमार टाइप ना दिखूं. बस मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है बाहर जाने से पहले वो है मास्क. तो मैं अच्छे तरीके से अपने फेस को, अपने बाल को और अपने पूरे जो यहाँ नेक होता है सारा एरिया को, पहले मैं अपने अच्छे तरीके से फेस को कवर करने जा रही हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से. तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो, आप लोगों ने देखा होगा मेरे चैनल पर, मैंने मास्क से रिलेटेड 2 वीडियो बनाए थे. तो मैं जा रही हूँ दुपट्टे की हेल्प से मास्क बनाने के लिए, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फेस को कवर करने के लिए. तो मैं कवर करने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ. सो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ अब. तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में. देख सकते हो आप कितनी ज्यादा धूप है. जल्दी बाहर आओ भाई जी, जे किसी नूं लोड़ है जल्दी बाहर आओ. गाइस, जिस काम से हम लोग आए थे अभी तक वो वाला काम तो हुआ नहीं है. हमारा मेन पर्पस था, जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जिस चीज़ की हमें साड़ियों की ज़रूरत थी और कुछ डेली यूज़ के कपड़े भी लेने थे, तो मैंने वो ले लिया है आप देख सकते हो. बट अभी साड़ी का कुछ जुगाड़ नहीं हो पाया है क्योंकि इस टाइम पर शॉप्स तो खुली हुई हैं, पर एक्चुअली क्या है ना, ये यहाँ पर लोग सूट ज़्यादा पहनते हैं तो यहाँ पर साड़ियों का जो मार्केट है ना, स्टॉक बहुत कम है और लॉकडाउन की वजह से भी बहुत ज़्यादा माल नहीं है लोगों के पास, दुकानदारों के पास. सो यही मेन दिक्कत हो रही है. तो गाइस, मैं यही बस मैं ये विश कर रही हूँ कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाए क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है. और मैंने आप लोगों को बताया था
कि बहुत ज़्यादा कल मेरे सर में दर्द था, हेडेक हो गया था, तो इसके वजह से धूप में ज़्यादा देर घूमना सही नहीं है, पर मैं क्या करूँ, मजबूरी है, अभी तो मुझे आना ही पड़ेगा। जो ज़रूरी का सामान है वो लेने के लिए तो मुझे आना ही था, तो मैं आ गई थी। तो अब देखिए, आई जस्ट होप कि हमारा काम फटाफट हो जाए। मैं भी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकी थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए आप लोगों से थोड़ी बातें कर लूँ। तो चलिए गाइस, आगे कब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ आगे क्या होता है। बस जो काम से आया है वो काम हो जाए। थोड़ा रास्ते का व्यू शेयर कर रही हूँ, तब तक देखो। सारे मार्केट खुल चुके हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। दिनों के बाद थोड़ी चहल पहल दिख रही है रोड पे, वरना बहुत ज़्यादा शांत कुछ भी नहीं चलता था। कपड़ों को बाहर ही धुलूंगी, तब बाथरूम में जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहीं आप बाहर से आओ तो पहले अपने आपको अच्छी तरीके से क्लीन कर लो, फिर आप अंदर जाओ, ठीक है गाइस। मैंने जो भी सामान लाया है आप देख सकते हो, मैंने इस सामान को बाहर ही रखा है, अभी मैं किसी भी सामान को अंदर लेकर नहीं गई हूँ। तो इससे पहले अच्छी तरीके से सफाई होगी, इसे सैनिटाइज किया जाएगा, इस पर स्प्रे किया जाएगा, देन ये अंदर जाएगा। ओके गाइस, मैंने शैम्पू भी कर लिया है, क्योंकि बाहर से आने के बाद तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छी तरीके से सफाई करो, उसको क्लीन करो, तो मैंने यहाँ पर शैम्पू भी कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ सिंदूर लगाने। मैं वहाँ से आने के बाद आप लोगों से बस थोड़ा सा ही बात कर पाई उस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो चलिए, मैं वहाँ से जो सब लेकर आई थी, ज़्यादा सामान तो मैं नहीं लेकर आई हूँ, बहुत कम ही है, तो जो भी लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। लेकिन सारा सामान धुलने के बाद, सुखाने के बाद मैंने अच्छे तरीके से उसे फोल्ड करके रखा है, फिर सोचा आप लोगों को दिखाऊंगी। सबसे पहले जो मैंने लिया है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इस वाले फेस्टिवल में, जो लोग बिहार से होंगे और जिन लोगों का ये ट्रेडिशन होगा, जिनके तरफ ये वाली पूजा होती है, उन लोगों को पता होगा अच्छे तरीके से कि इस वाले व्रत में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस वाले पंखे की है। तो यहाँ पर मुझे वो वाला पंखा नहीं मिल रहा था, तो मैंने ये वाला पंखा लिया, ये भी उतना बुरा नहीं है। सो सेकेंड जो है वो मैंने एक प्लाजो लिया है, आप देख सकते हो मैंने इसे धुल दिया, पर मैं इसका इतनी जल्दी में थी कि मैं इसका टैग नहीं निकाल पाई। रेड कलर की प्लाजो है, एक टॉप है जो कि येलो है, येलो कलर की है, देख सकते हो। अगेन एक टॉप है जो कि बहुत ही लॉन्ग है, फिर एक टॉप है जो पिंक कलर का, फिर एक पजामा है, अगेन एक लोअर है, देख सकते हो। तो बस मैंने इतने ही कपड़े खरीदे खुद के लिए। तो अब मैं दिखा रही हूँ, ये दो टॉवल है जो कि मैंने सोचा
के ले लेती हूँ, बहुत ही ज्यादा सही होते हैं। तो इसके बाद मैंने ये पूजा के लिए खरीदा है नेल पेंट, बिंदी, और मेरे मेकअप वाइप्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है क्लीन करना। अगर मैं मेकअप, वैसे तो मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ, बहुत कम, पर मुझे इससे अपने फेस को क्लीन करना बहुत पसंद है, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट वाला वाइप्स है, ये बहुत नेचुरल है, तो ये मैं हमेशा इसे यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो मैंने ये भी लिया है 1 और 2। अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, दिस इज माय साड़ी जो मैं आप लोगों को पहन के दिखाऊंगी। कैसी लगी आप लोगों को मेरी साड़ी, आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट करके। ये इसमें और ज्यादा, इसमें ये बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं है, तो मीडियम में है जो कि चल सकता है। तो मैंने रेड कलर की साड़ी ली क्योंकि मेरी सीट, बस मैंने इतना ही सामान खरीदा, क्योंकि बहुत जल्दी में हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत जल्दी जल्दी में हमने ये सारी चीज़ें खरीदी हैं, और हमारे पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी थी, और ज़्यादा देर आप लोगों को पता है इस टाइम पे हम लोग ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकते हैं, और रहना सेफ भी नहीं है। तो जो ज़्यादा ज़रूरी की ज़रूरत की सामान थी, जो ज़्यादा सामान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत था, तो बस हमने वही चीज़ खरीदा है। तो एंड वन मोर थिंग गाइस, मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, ये है मेरी चुनरी, जो कि मैंने आज नहीं खरीदी है, ये मेरी शादी की चुनरी है, तो मैं इसे भी आपको पहन के दिखाऊंगी पूजा वाले दिन। देखा आपने, बस ये था मेरा छोटू सा शॉपिंग जो आज मैंने किया है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, मुझे तो पसंद आया, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं।